हे गुरु नानक, हे कलगीधर पातशाह, हे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब, किसे नू कोई भरोसा है, किसे नू कोई भरोसा है, पर मेरा तो सब कुछ तू ही है। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सबेटाइया ढेरिया। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सबेटाइया ढेरिया। एक गर्भवती मिर्गनी जिदा बच्चा होने वाला है, जंगल बियाबान विच आराम नाल सुती हुई है, ते पापी फंदक ने आके एक पासे शिकारी कुत्ता खलार दिता, दूजे पासे जाल ला दिता, तीजे पासे अग बाल दिती, ते चौथे पासे आप तलवार लैके खलो गया। ते जदों अग दा शेक लग्या तां ए हिरनी ने नेत्र खोले, जदों चारे पासे रुके हुए वेखे तां नेत्रां तो जल आ गया, ते अपनी बूथी नूं उच्चा करके उस परमेश्वर अगे अरदास कीती, प्रभ जी संकट काट मुरारी, हे मेरे प्रभु जी मेरा संकट कटो, प्रभु जी संकट काट मुरारी, क्योंकि संकट में एक संकट उपजो, अर्ज करे मृगनारी। एक ता संकट है भाई मेरे बच्चा होने वाला है, ते दूसरा पापी फंदक ने चारे ही रस्ते रोक ले हन। एक ओर लै बावर गाजियो, एक ओर अग जारी, एक ओर लै स्वान खलारियो, एक और फंदकारी, ये चारे पासे मेरे पापी ने रोक ले हन। तेरे बिना हुन कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बाणी विच भी संस्कृत दे श्लोक आउंदे हन, उदे विच भी ये व्याख्या लिखी है कि जिवें हरनी दी रक्षा कीती परमेश्वर ने, कोई भी भाई श्रद्धा दे नाल अपने मालक अगे अरदास करदा है, गुरु उसकी रक्षा करदा है। तां इतिहास विच लिखिया है कि एक पासे निरंकार ने ऐसा कौतक रचिया कि हवा इधर दी सी पर इधर दी हो गई, जिधर अग बल रही सी हवा बदलन करके, जिधर जाल ला रखिया सी ना पापी फंदक ने, वो अग उस जाल नू लग गई, वो रस्ता साफ हो गया। एक पासे एक खरगोश निकलिया, ते शिकारी कुत्ता उदे मगर दौड़ गया, दूसरा रस्ता भी खुल गया। तीसरे पासे ओ अग जो बाली सी ओ भी बुझ गई, ते चौथे पासे पापी फंदक जिहड़ा किरपान लैके खड़ोता सी, उथों ही नेड़ियों ही खड दे विचों एक सप निकलिया, उसने दंग मारिया, ओ उथे ही तह ढेरी हो गया, मिट्टी हो गया। ते फिर हुण चारे पासे खुले वेख के हरनी उसका शुकराना कर रही है मालक दा, के उल्टी पवन बावर को जारियो, स्वान चलियो सिसकारी, एक ओर लै फनियस निकसियो, उस दस्यो फंदकारी, नाचन कूदन हरनी लागी, प्रभु जी कृपा भई है तुम्हारी। सच्चे दिलों जिन्हां ने अरदास कीती अपने गुरु अगे, किवें ओ रक्षा करदा है, इसलिए भाई उसका आसरा जिन्हां ने लिया, सारियां टेरियां ढा दित्तियां हन, गुरु उन्हां दी लोक विच भी ते परलोक विच भी आप सहायता करदा है। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सबे ढाइयां ढेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सबे ढाइयां ढेरियां। रहे
सदा तेरे घर दी ही चाकरी, घर दी ही चाकरी। उस्तत तेरे कर दे रही ये दिन अते रात जी, दिन अते रात जी। अपने घर दे बना लो गोले और सपेटाइया डेरिया, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, और सपेटाइया डेरिया, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, और सपेटाइया डेरिया, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, और सपेटाइया तेरिया बख्शिशां ने वड्डियां, बख्शिशां ने वड्डियां। जो कुछ हां असी सब तेरिया ने बख्शिशां, तेरिया ने बख्शिशां। साडी झोली निक्की तेरिया बख्शिशां ने वड्डियां, बख्शिशां ने वड्डियां। जो कुछ हां असी सब तेरिया ने बख्शिशां, तेरे दर्शन करा दिन राती, और सपेदाया डेरिया, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, और सपेदाया डेरिया, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, और सपेदाया डेरिया, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, और सपेदाया डेरिया। वारी वन्या घोली वन्या दाता तेरे नाम तो, दाता तेरे नाम तो। जीवन मुक्त हो जावा मैं भी इस जहान तो, मैं भी इस जहान तो। तेरे गुण गावा दिन राती, और सपेदाया डेरिया, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, और सपेदाया डेरिया, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, और सपेदाया डेरिया, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, और सपेदाया डेरिया। राजन तेरे घर कोई औलाद लिखी तो नहीं, पर एक जतन है जे कर सकता है, हो सकता है तेरे घर कोई बूटा लग जावे। ब्राह्मण का पुत्र होवे, अपनी खुशी दे नाल जे देवता नू बलिदान दे देवे अपना, ता हो सकता है तेरे घर पुत्र दी दात आ जाओ। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। राजे ने शहर विच डंडोरा फिराया कि कोई ब्राह्मण अपना पुत्र वेच देवे मुंह मंगिया मुल देवांगा, पर शर्त यह है कि वह अपना बलिदान खुशी नाल देवे। एक ब्राह्मण दे चार पुत्र सन,
तीन तो अपने कार विहार से जाया करते सी ते जिहड़ा सब तो छोटा सी ना वो सत संगत विच जाया करदा सी। महापुरखां दी संगत करनी, सेवा करनी, जल भर के लियाउणा, झाड़ू देना, गुरु कीआं संगतां दे जूठे बर्तन मांजदे, ते घर वालिआं ने उहदा नाम भी वेलड़ रखे होया सी भई इह नकारा है, कोई कम नहीं करदा। ते ब्राह्मण ने मन विच सोचिआ भई इहनूं वेच देंदे हां, एक तो यह साडे मगरों लह जाएगा, नाले मूँह मंगया इनाम मिलेगा, तो घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। उच्चारण करो श्री राजे ने इस ब्राह्मण नु मूँह मंगया, मुल दे के ये बच्चा खरीद लिया। ते राजा इस बच्चे नु पुछदा है, क्यों भाई तू अपनी खुशी नाल बलिदान देवेगा ना देवता नु? महाराज जदों तुसी मुल ही खरीद लिया ते फिर जिवें मर्जी है वरतो, जदों मुल ही बिक गया कोई। इस बच्चे ने गुरु की बाणी दा कीर्तन सरवण कीता सी, महापुरखां दे प्रवचन सरवण कीते सन के जोर ना जीवन मरन ना जोर, कोई अपने जोर नाल मर नहीं सकदा, कोई अपने जोर नाल जी नहीं सकदा। ए मारै राखै एको आप, मानस के किश नाही हाथ। ए जमना मरना रोजी, महापुरख क्या करदे सन, ए तीन काम निरंकार ने अपने हाथ विच रखे हन। उचारण करो श्री। ए ब्राह्मण दा छोटा बच्चा जो सत संगत विच जाया करदा सी, कहन लगा राजन मैं खुशी नाल बलिदान देवांगा, जे मेरे बलिदान दे नाल तेरे घर बूटा लगदा है तां मैं हस हस के कुर्बानियां देवांगा। बड़ियां खातरां होण लगियां, सेवा होण लगी। ओ दिन नेड़े आ गया जदों देवता नूं बलिदान देना सी। तां राजे ने इस बच्चे नूं कहा भाई कोई तेरी ख्वाहिश है तां ओ दस, असी पूरी कर सकीए। ता ए बच्चा कहन लगा जी होर तां कोई ख्वाहिश नहीं, मैं चाहुंदा हां नदी किनारे इशनान करके अपने परमेश्वर नूं याद कर लवां, जांदी वेरी अपने मालक नूं याद कर लवां। चंगा भाई जिवें तेरी इच्छा है। अहलकार भी खड़े हन, राजा भी खड़ा है। नदी किनारे इस बच्चे ने इशनान कीता, आके चौकड़ा मार के महापुरखां दे दसे अनुसार उस परमेश्वर दा चिंतन कीता, नितनेम करके जदों उठिया तां इसने मिट्टी दियां चार ढेरियां बना लईयां, मिट्टी दियां चार ढेरियां बना लईयां। पता नहीं की इसदे मन विच ख्याल आया, पहले एक ढेरी ढा दित्ती, फिर दूसरी ढेरी ढा दित्ती, फिर तीसरी ढेरी ढा दित्ती, ते चौथी ढेरी रहन दित्ती, ते उसनू मत्था टेकिया, नमस्कार कीती, उसकी परिक्रमा कीती। राजा हैरान हो गया भई बच्चा है, जे बनाईया सन मिट्टी दियां ढेरियां तां सारियां ढा देदा, पर इस एक रहन क्यों दित्ती, इहदा कोई कारण जरूर है। ते राजा पूछन लगा क्यों भाई तू ये ढेरियां बनाईया ते तीन ढा दित्तियां, एक रहन दित्ती ते एक नूं मत्था टेकिया, इसका की कारण है? ते बच्चा कहन लगा राजन मैं अपना काम कर लिया, जो कुछ करना सी तू अपना कर लै, तू पुछ के की करेगा। राजा कहन लगा वेख तू मेरा मुल खरीदी है, मैं तेनू मुल खरीदया, ते मेरा बचन तू मोड़ नहीं सकदा, तेनू दसना पवेगा कि ए तू तीन तेरियां ढा के एक रहन दिती है, इसका कारण की है? ता ए बच्चा कहन लगा राजन मैं महापुरखां दी रसना तो बचन सुने हन कि जदों कोई मनुख संसार ते आउंदा है ना, जन्म लैंदा है, तां उस दे चार आश्रे होंदे हन, चार आश्रे,
सब तो पहला आसरा होता है माता पिता का। माता पिता किसी भी मुसीबत तो किसी भी पवजल तो बच्चा अग नू हथ पाण लगता है, बच्चा थले डिगण लगता है, बच्चा कोई होर खतरनाक काम करन लगता है, माता पिता चुक के अपने गले नाल ला लेंदे हन, उनू हर खतरे तो बचाउंदे हन माता पिता। पर पहली ढेरी मैं माता पिता दी ढा दिती जिन्हां ने अपनी गरीबी दूर करन लई मैनू तेरे अगे वेच दिता। ते दूसरा आसरा हुंदा है राजे दा। राजे दा धर्म हुंदा है अपनी प्रजा दी रक्षा करनी, अपनी प्रजा लई अपना बलिदान भी दे देना, खून दा आखरी कतरा भी प्रजा दे बचाउन लई ला देना, ये धर्मी राजियां दा कम है। ते तू ता अपनी औलाद लई मेरा बलिदान दे रहे हैं, तू मेरी क्या रक्षा करेगा, इसलिए मैं तेरा भी आसरा तेरी भी तेरी दा दिती। ते तीसरा आसरा होंदा है देवतियां दा मनुख। ते देवता तो मेरे खून का प्यास है, तू बलिदान दे रहे हैं देवते दी मैनू, ते ओ मेरी की रक्षा करेगा। हुण एक ईश्वर का आसरा दे है, एक भगवान का आसरा दे है, एक उस निरंकार वाहेगुरु का आसरा ले लिया है। जो तुद भावे नानका साई गल चंगी, जो उसनू लगेगा जो उसनू पावे ओ मैं खिड़े मथे पाने नू मिठा करके मनांगा। मैं ता इस तेरी नू मथा टेके है कि हुण तेरे बिना मेरा और कोई नहीं है, इसलिए एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा। एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, होर सबे धाइयां ढेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, होर सबे धाइयां ढेरियां। भरे ने अवगुण रोम रोम विच मेरे जी, रोम विच मेरे जी। मंदे हां चंगे हां सतगुरु तेरे जी, सतगुरु तेरे जी। गुण गाये हर जी दे दिन राती, होर सबे ढाइयां ढेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, होर सबे ढाइयां ढेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, होर सबे ढाइयां ढेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, होर सबे ढाइयां ढेरियां। राजे ने जदों ये बचन सुने कि छोटी जी अवस्था है इस बच्चे दी, और कितना सतपुरुष है, कितना ज्ञानवान है, जिन्हां ने एक ईश्वर का एक निरंकार का भरोसा लिया। असी सारी उम्र बीत जाती है, कोई ना कोई आसरे ही लभदे रहिंदे, और आसरे भी दुनियावी लभदे रहिंदे आ, भई फलाना बंदा मिल जावे तो मेरा काम हो जाएगा, ओ मिल जाए तो मेरा आ काम हो जाएगा। पर साढ़े अंदर कदी भी ऐसा प्यार नहीं जागया कि असी अपने मालिक कोल, अपने गुरु पिता कोल, अपने ईश्वर अगे जाके प्रार्थना करिए कि हे निरंकार, तू सारी सृष्टि के कार्य सवार रहे हैं, मेरे भी सवार। राजे ने जदों इस छोटे जे बच्चे दियां एडियां ज्ञान दियां बातां सुनिया तां मन विच सोचिया कि इसनू मरवा देवांगा, इता बलिदान दे देवांगा, ते फिर भी पता नहीं मेरे घर औलाद होवे या ना होवे, ते जे हो पवे ता नालायक होवे जो मेरा नाम ही मिट्टी विच मिला देवे। ते क्यों ना हुण, क्योंकि मैं इसनू मुल खरीद लिया, ते क्यों ना इसे नू ही अपना पुत्र बना लवां। उच्चारण करो श्री। ऐसा ज्ञान होया उस राजे नू
उस बच्चे नू चुक के गल नाल ला लिया, अज तू मेरा सपुत्र है, हुण मैं राज नहीं कर सकदा, हुण मेरा जी करदा मैं सारी जिंदगी उस परमेश्वर की भक्ति करांगा, हुण राज गद्दी तू ही सामभ लै। तां इतिहास विच लिखिया है कि इस बच्चे ने ऐसा धर्म का राज कीता कि सारी प्रजा नू ही ईश्वर दे नाल जोड़ दिता। तो जेड़े अच्छे इंसान बन जाते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, राजा चंगा होवे, सतपुरछी होवे, सत भावना वाला होवे, तां फिर प्रजा नू ही सच दे नाल जोड़ सकदा है। इसलिए भाई असी गुरु वाले हाँ, जदों भी मंगिए अपने गुरु अगे अरदास करिया करिए, अपने गुरु अगे प्रार्थना करिया करिए कि एक तकिया भरोसा तेरिया चरणा दा, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, होर सभे दाइयां ढेरियां, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, होर सभे दाइयां ढेरियां, सभे दी दाइयां ढेरियां, होर सभे दी दाइयां ढेरियां।